हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 हो, जीरो के मूल हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी दें तो आप पहले इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए और इसको लिखिए। समीकरण कितना दिया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है कि ज्ञात करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से क्या अल्फ़ा बीटा दोनों में कॉमन है, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिए। अल्फ़ा बीटा कॉमन लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फ़ा बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, आपका बीटा बचेगा। यानी आपको अल्फ़ा बीटा कोष्ठ में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये समीकरण है कि 2x² - 3x + 5 = 0। अब क्या करेंगे कि ax² + bx + c = 0 से तुलना कीजिए। ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आपका a का मान कितना आएगा, 2, और b का मान कितना आ जाएगा, -3, और c का मान आ जाएगा 5। अब फ्रेंड्स देखिए, आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। यहाँ b का मान कितना है, -3 है, तो -cos(-3) और बटा a का मान कितना है, 2 है। चलिए इसको हल करते हैं। जब कोष्ठक के ऊपर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3/2 हो गया। अब इसी प्रकार फ्रेंड्स क्या करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है आपका, तो आपका फार्मूला होता है c/a। यहाँ c का मान कितना है, 5 है, तो 5 रखेंगे। a का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख लीजिए। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 3/2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 5/2। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा बीटा कोष्ठ में अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे चलिए रखते हैं, यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि अल्फ़ा बीटा कोष्ठ में अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 5/2, तो यहाँ 5/2 रखेंगे। और गुणा का चिन्ह, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2, तो यहाँ 3/2 बना लेंगे। इसका गुणा कीजिए अंश का अंश में हर का हर में, तो 5 × 3 = 15 और 2 × 2 = 4। तो आपका आंसर कितना है फ्रेंड्स, 15/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें क्या ज्ञात करना है ये पता होना चाहिए। ये पता कर लेंगे तो आप आसानी पूर्वक से सवाल को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।